हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस फॉर द मंथ ऑफ 12 सितंबर 2022 KBS एग्जामिनेशन 2023 के लिए। इससे पहले मैंने अगस्त तक के करंट अफेयर मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कर रखे हैं। इसके अलावा टीचिंग पैडागोजी के भी 3 सेट्स प्रोवाइड कर दिए मैंने और ICT के भी 3-4 वीडियोज आपके पास अवेलेबल है फ्रेंड, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है KBS एग्जामिनेशन 2023 के नाम से। तो आप प्ले लिस्ट के नाम पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर भी आप सारी वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ना बिना देरी किए इस करंट अफेयर के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कितने देशों के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS और UK सरकार ने BAE सिस्टम के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यासों को सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया है। 26 कंट्री, 10 कंट्री, 50 कंट्री और 2 कंट्री। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल कंट्री है 26 कंट्री, 26 कंट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रेंड, कौन से देश ने रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों और IET सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रशिया, इंडिया, यूक्रेन, तुर्की, इंडिया, बांग्लादेश और अमेरिका और इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये। तो रेलवे सहयोग के लिए गहरा करने के लिए जो प्रशिक्षण स्टार्ट किया गया फ्रेंड, उन्होंने किया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इंडिया और बांग्लादेश ने किया है हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू किया है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो महिला निधि स्टार्ट करने वाला है पहला राज्य, वो है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फोर्थ है, भारत में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो पहला ऑप्शन है फाल्गुन नायर, शिव नादार, उद्योग कोटक और डी आपका गौतम अंडानी। तो आपको फ्रेंड पता है जो गौतम अंडानी हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और पहले कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ है, वेयर डिड द PM नरेंद्र मोदी इंडक्ट इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत इंटू द नेवी? PM नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में कहां पर शामिल किया है? ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची, दूसरा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन विशाखापट्टनम, और सी है आपका कौतोपली शिपयार्ड इन द चेन्नई, और डी है आपका मंदोवी ड्राई डॉक इन गॉड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी विमान वाहक जो पोत है INS उसको सौंपा है कोची में, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, कोचिन CPR लिमिटेड इन कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर में। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा फ्रेंड, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से आपको आगे नेक्स्ट 2 मंथ के भी वीडियोज़ अवेलेबल करवा दी जाएगी, और इतने काफ़ी फ्रेंड अगर 12 महीने का आप करंट अफेयर देख लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन में सीखते हैं, IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ब्राज़ील, अमेरिका, चाइना और इंडिया। तो IMF आपको बताया फ्रेंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका, तो इन्होंने एक सर्वे किया, उसके अनुसार जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेंड वो है इंडिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, पहला कौन है दूसरा कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे फ्रेंड। तो 5वें नंबर में आपका इंडिया आता है, 5वां अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर, 8 अगस्त से 14 अगस्त, 1 मार्च से 7 मार्च, 15 जून से 21 जून। तो ये जो भारत में राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेशन IAD को किस के द्वारा डिज़ाइन किया गया है? CNES, इसरो, नासा और जक्सा। तो ये किया गया है फ्रेंड आपका इसरो के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, सॉरी बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लिज ट्रस, बोरिस जॉनसन, टॉम टंगहार्ट और केमी वेदनॉच। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं
पहला ऑप्शन है ऋषि सनक, बोरिस जॉनसन, टॉम टोनहॉट और केमी वैंडेनॉच। सो यहाँ पे ऑप्शन गलत था फ्रेंड, इसलिए मैंने चेंज कर दिया इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऋषि सनक, अक्टूबर 2022 से बने फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए जो स्वच्छ हवा और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड, वो मनाया जाता है 7 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट हो जाएगा, 7 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए भारत के पहले इंद्रा नाक यानी इंट्रा नेजल ड्रॉप जो होता है कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? DCGI, WHO, IMA और HMD। तो ये अप्रूव करने वाला है फ्रेंड DCGI, ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुआं लालपुर में मलेशियाई आयु समूह रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस 6 वर्षीय लड़की ने स्वर्ण पदक जीता? तो है विश्वनाथन आनंद, अनिष्का बियानी, सी है इरीना क्रोस और नेक्स्ट है आपका सबीना फॉर्सर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा अंशिका बियानी, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने टॉप 13 क्वेश्चन किए हैं सितंबर के करंट अफेयर के। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर लोगों तो शेयर करेगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।